Jose. ये है GQ Style Awards 2011, जिसके लिए पहुंचे द हूज हू ऑफ टिंसल टाउन। सूटेड डेक्ड अप ग्लैमड अप GQ के रेड कार्पेट पर देखने को मिला बॉलीवुड का स्टाइल। किंग खान शाहरुख जो हर बार की तरह फिर से लेट पहुंचे, लेकिन इस बार किंग खान हैड अ गुड एक्सक्यूज ये कि वो बिजी थे अपनी ओल्ड एनिमी फारा खान से पैचअप करने में। टुडे आई मेट फारा खान एंड शी टोल्ड मी इवन माय आईज आर लुकिंग यंगर, सो आई टोल्ड आई हैवन स्लेप्ट फॉर 10 डेज। वेरी गुड शाहरुख, फारा से पैचअप किस तरह हुआ ये हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे, लेकिन गौरी को अपनी लेट लतीफी का क्या एक्सक्यूज देंगे आप जिन्हें अकेले ही आना पड़ा। So I did tell her that I'll be an hour late, but she doesn't like it. She's gonna kill me when I go inside. Oh my, तो शांति को तो आना ही था। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जो इस व्हाइट गाउन में काफी खूबसूरत और खुश लग रही थी। आफ्टर ऑल उनके स्पेशल दोस्त सिद्धार्थ माल्या को अवार्ड जो मिला था। I guess someone has made an impression as an all-rounder, I guess. Someone who's been in the media, someone who's been impressive with the body of work. कुछ को किसी के अवार्ड मिलने पर खुशी थी तो कोई किसी के लिए अवार्ड मांग रहा था। अनुष्का शर्मा इन दिस प्रिटी ग्रीन गाउन लुक लाइक समथिंग आउट ऑफ अ फेरी टेल। अनुष्का चाहती थी कि उनके जाज को भी एक अवार्ड मिले। फॉर मी द अल्टीमेट मैन इज माय फादर। हॉलीवुड की परी फ्रीदा पिंटो भी काफी एलिगेंट लग रही थी। गौरी खान स्ट्रक एन इम्प्रेसिव पोज। राहुल बोस लुक गुड। और ये क्या, कौन है ये? ओ इट्स युवराज, शायद यू बी हैड अ बिट ऑफ वार्डरोब मालफंक्शन। जी हाँ, एक स्टाइल अवार्ड मिलने के बाद ये रहा युवराज का रियल स्टाइल। Amongst the sports persons were Yuvraj Singh, Leander Paes and Baiju Bhutia. और ये क्या, क्या प्रतीक अपनी आने वाली फिल्म में एक मेंटली चैलेंज्ड का रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि प्रतीक की ये वियर्ड फेसेस बनाने की आदत ना जाने कब जाएगी। Very honored and really happy that my work got recognized, you know. जी हाँ, प्रतीक ने जो बोला वो हमारी भी समझ में नहीं आया। My work got recognized. And let's not forget Karan Johar, who always takes care of his style. Well, so ye raha the GQ Style Awards. Let's hope to see some more well-dressed men in the future in Bollywood. Say, go say.